तुम किसी भी काम को दबाव लेकर मत कह करो, क्योंकि आगे क्या करवाना है ये रास्ता मैं तुम्हें दिखाता जाऊंगा। तुम्हें बुद्धि भी मैं दूंगा, बल भी मैं दूंगा, तुम फिक्र मत करो। जो तुम कर रहे हो वो बेशक माध्यम तो तुम ही हो तो तुम्हारे ही हाथों से रहा है, लेकिन मेरी मर्ज़ी से हो रहा है। इसलिए अच्छाई या बुराई, हर हाल में शांत रहो। मेरी मर्ज़ी के विरुद्ध तुम्हारे हाथ से एक भी काम नहीं होता, ये तुम हमेशा समझ लो। अगर अगली बार मेरे मंदिर आकर अपने खुद के लिए ही कुछ बुरा मांगोगे ना, तो मैं भी डंडा लेकर तुम्हें पीटने निकल जाऊंगा। कितनी बार तुम्हें समझाया है कि अपने लिए बुरा मत कहो, नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो मैं सुनने ही नहीं वाला हूँ। बहुत दुख झेले हैं ना तुमने, बहुत कष्ट, शायद इतना कि जिसे तय भी नहीं किया जा सके, जिसे नापा भी ना जा सके। तो क्या बस इसीलिए मैंने तुम्हें रखा था? नहीं ना, मैं खुशियाँ भी देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें खुश भी देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे चेहरे पर खुशियाँ नहीं आई ना, तो मेरा दिल हमेशा रोता रहेगा। इसलिए तुम अपने लिए बुरी बातें मत कहा करो, मुझे पसंद नहीं है। ना अपने लिए कहो ना किसी और के लिए, छोड़ दो जो जैसे हैं उसे उनके हाल पर, वो क्या ही बिगाड़ सकता है तुम्हारा। बिना साईं के मर्ज़ी के कोई तुम्हारे आसपास आ भी नहीं सकता। तुम मेरे घर पर रहते हो, तुम मेरे बच्चे हो, और तुम्हारी ज़िद को देखते हुए तुम्हें शिरडी तो मैं बुलाऊँगा, बुला रहा हूँ, बहुत जल्दी बुला रहा हूँ शिरडी। तैयार रहो, खुश रहो, जैसे हो वैसे ही रहो।